पूर्व भारतीय राज्य ओडिशार पुरी जहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र शंख क्षेत्र एवं श्रीक्षेत्र नाम जाणीछे। भगवान जगन्नाथंकर मुख्य लीलाभूमि अटे। उत्कल प्रदेशर मुख्य देवता भावे प्रभु श्री जगन्नाथ को मना जाए। एठारे वैष्णव धर्मर मान्यता जे प्रभु श्रीकृष्ण और राधाकर जुगल मूर्तिर प्रतीक होउछंती श्री जगन्नाथ। भगवान श्री जगन्नाथंकर रथयात्रा आषाढ़ मास शुक्लपक्ष द्वितीयारे जगन्नाथपुर आरंभ होइताए। एथिरे भाग नेबा पई देशर विभिन्न प्रांतरु लक्ष लक्ष संख्यारे शिशु जुब वृद्धा आसी थांती। पुराण अनुजाई राजा इंद्रदम्न तांको परिवार सह नीलांचल सागर पाखरे रहुथिले। दिने तांको समुद्र रे गोटे विशालकाय काठ देखागला। राजा से काठगड़ विष्णुंकर प्रतिमूर्ति तयारी करिबाकु मनस्थ कले। एही समय रे बढ़ई रूप नहीं स्वयं विश्वकर्मा तांको पाखरे पहुँचिथिले। से राजा इंद्रदम्न पाखरे एक शर्त रखिथिले जे जेतेबेले जाए मूर्ति तयारी समाप्त हेबो नहीं सेतेबेले जाए कोठरी भितरकु केही प्रवेश करिबेनि। राजा इंद्रदम्न ए शर्तरे राजी हेले। वृद्ध बढ़ई कोठरी भितरकु जाई कार्य करिबा आरंभ करि दैथिले। मात्र राजांक परिवार लोके भाबिथिले जे किपरि एक वृद्ध बढ़ई बिना खाद्य जलरे किपरि रहिबे। किछि दिन परे राणी राजांकु एही विषय रे अवगत करैबा परे राजा सेई कोठरीर द्वार को खोली दैथिले। द्वार खोली देबा बेळकु कोठरी भितरे केही नथिले। तीनि ठाकुरंक अर्ध निर्मित मूर्ति सेटारे रहिथिला। एहा देखि राजा ओ राणी उभयंकर मन दुख होइ जाइथिला। एही समय रे आकाशवाणी हेला जे व्यस्त कि दुखी हुअ नाही आमे एही रूप रे रहिबाकु चाहुछु आमकु एही रूप रे नै प्रतिष्ठा करा। परे तीनि ठाकुर नगर भ्रमण पाई इच्छा करी राजांकु आकाशवाणी करिथिले। सेही समयरु श्रीक्षेत्र पुरी रे रथयात्रा होइ आसुछि। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास शुक्ल द्वितीया तिथि रे पवित्र रथयात्रा पर्व पालन करा जाए। एहाकु गुंडीचा यात्रा मध्य कुहा जाए। एही दिन प्रभु जगन्नाथ बलभद्र एवं देवी सुभद्रा तीनोटी रथरे बसी श्री गुंडीचा मंदिर को जाती। रथयात्रा आम ओडिशार एक जातीय पर्व। विभिन्न जाति और धर्मर लोक माने मिलीमिशी रथयात्रा रे सामिल होइथांती। पुरीर रथयात्रा विश्व प्रसिद्ध। एहा ओडिशा व्यतीत सारा भारत एवं भारत बाहरे अधिकांश देश रे पालन करा जाए। प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया ठारु रथ निर्माण कार्य आरंभ हुए। रथयात्रार पूर्व संध्यारे समस्त कार्य समापन हुए। तीन ठाकुर विजय करुवा रथर नाम यथाक्रमे जगन्नाथ रथर नाम नंदीघोष बलभद्रं रथर नाम तालध्वज और देवी सुभद्रा रथर नाम देवदलन। यात्रा दिन सका नीति निर्घंट समय अनुसार तीन ठाकुर को पहंडी विजय कराई रथरे बसा जाए। घंट घंटा शंख कीर्तन हरिबोल हुलहुली ध्वनि वायुमंडल कंपी उठे। यहाँ गजपति महाराजा रथरे सुना खड़िकारे छेरा पहरा करती। ठाकुर समस्त पूजा विधि कर सारे रथरे दौड़ी लगा जाई रथटणा कार्य आरंभ हुए। भक्त माने दौड़ी धरी रथ टाणती। प्रथमे बलभद्रं रथ द्वितीय सुभद्रा रथ और शेषे जगन्नाथ रथ टणा जाए। रथगुड़िक गुंडीचा मंदिर को जाती। जनसमुद्र मध्यरे रथगुड़िक पहरिला परी लागी थाए। गुंडीचा मंदिर रे पहुँचिबा परे तीनि ठाकुरंकु पुणी पहंडी करा जाए मंदिर भितरकु निया जाए। गुंडीचा मंदिर रे तीनि ठाकुर नौ दिन पई रुहंती। आषाढ़ मास शुक्लपक्ष दशमी दिन को बाहुड़ा दशमी कुहंती। ठाकुर रथरे चढ़ी पुणी श्रीमंदिर को फेरी आसंती। परदिन एकादशी तिथि रे तीनि ठाकुरंकर सुनावेश करा जाए। या परे ता पर दिन अधरपणा करा जाए तीनि ठाकुरंकु मंदिर भितर को निया जाए थाए। तो दर्शक बंधु या थिला रथयात्रा आरंभ केबे ठारु ओ केमिति हेला। जदि आपण आउ किछि भी जानिबा पई चाहूछंती ताहले निश्चय ए वीडियो गोटे लाइक करंतु ता सहित ए वीडियो को निश्चय शेयर करंतु ता सहित भक्ति रे जय जगन्नाथ आम कमेंट बॉक्स रे लिखंतु।
ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଲେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।